दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर आज मैं आपको आई बी पी की बिल्कुल रियलिटी बताऊंगा तो 2023 में क्या स्टेट थे 2023 में कितनी कट ऑफ रखी गई थी और 2023 का जो मेंस का कंप्लीट पेपर था उसके बाद मेंस की कितनी कट ऑफ थी और कितने नंबर लाने पर आपको फाइनल सिलेक्शन यहाँ पर देखने को मिला था देखो ये जो एग्जाम होता है वो हाईली कंपिटेटिव होता है क्यों क्योंकि इसका जो नेचर है फिलिम्स का वो काफी डिफरेंट होता है वो चीजें भी आपके साथ यहाँ पर लेकर आऊंगा एक चीज और कहूंगा करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यहां पर डेटा इंटरप्रिटेशन के वीडियोस, रीजनिंग के वीडियोज और करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ पैकेज है टेस्ट क्विजेज पर मिल जाएगा और बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड लर्निंग आप कर पाएंगे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फटाफट फ़ड़ डाउनलोड करें और जो फ्री पीडीएफ है फ्री क्विजेज है उनका भी लाभ यहां पर आप उठाएं लास्ट ईयर का थोड़ा सा देखूं जो 2023 का सीन था वो ये था कि अगर आप हाइएस्ट कट ऑफ देखोगे एट्टी में से वो कहां पर गई थी आप देखिएगा उड़ीसा में फिफ्टी नाइन पॉइंट सेवन फाइव ये जनरल कैटेगरी थी ठीक है मेरे पास जिस जिस जगह का रेटा है वो मैं केवल आपको बता पा रहा हूँ उत्तराखंड में कट ऑफ थी फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव हिमाचल प्रदेश यहाँ पर फिफ्टी फाइव थी हरियाणा में फिफ्टी फोर पॉइंट सेवन फाइव कट ऑफ रखी गई थी और राजस्थान में आप देख पाएंगे फिफ्टी फोर पॉइंट फाइव ठीक है तो इतनी कट ऑफ यहाँ पर हमें देखने को मिली थी राजस्थान में और उत्तर प्रदेश में फिफ्टी थ्री पॉइंट सेवन फाइव ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये 80 मार्क्स में से है, 80 मार्क्स का ग्रांड टोटल आपका होता है 80 में से जिन लोगों ने इतना मेंस इतना में 52.75 पंजाब में 52.5 52 52 और झारखंड में फिफ्टी तमिलनाडु में 50.75 ठीक है तो इस तरीके से मेरे पास जिन जिन जगह का डेटा था वो मैंने आपको बता दिया अब इतना आप गैस आइडिया लगा लोगे कि यार 80 नंबर में से अगर मैं बहुत बेहतर तैयारी कर लूं और कहीं पर अगर मेरे साठ या बासठ आ जाएं तो मुझे कोई नहीं रोक पाएगा इस एग्ज़ाम में फाइनल सिलेक्शन लेने के लिए लेकिन इसके लिए आपको दिन रात एक करना पड़ेगा बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी होगी कंप्लीटली ये जो पूरा का पूरा एटमोसफियर है ना वो आपका प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है आप कंसेप्ट को सीख लो उसके बाद मॉक टेस्ट बनाओ और अपनी अच्छी प्रैक्टिस करो ठीक है बेस आपका क्लियर होना चाहिए अब आप देखिएगा कि ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आ, अलग अलग जगह की है ठीक है जैसे कि आसाम की 50 रखी थी मध्य प्रदेश की 50 थी छत्तीसगढ़ की 49.75 थी, केरला की 48.75, जम्मू एंड कश्मीर की 46 है और महाराष्ट्र की 46, बिहार की 45 रखी गई आउट ऑफ 80, हर जगह की 80 में से ही है आंध्र तेलंगाना मिजोरम यहां पर 39, 39, 37 और कर्नाटका में थर्टी फाइव मतलब कि अस्सी में से पैंतीस नंबर लाओ आपको मेंस का टिकट मिल जाएगा ये हालात थे कर्नाटका के ठीक है मेघालय के अब वैकेंसीज का कंपेरिजन मैं अगली वीडियोस में फिर कभी करूंगा बट यहां पर केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि आपको कंफर्ट जोन में नहीं रहना है आप ये मत सोचो कि यार मेरा स्टेट अगर मध्य प्रदेश है तो मैं पचास बावन ला रहा हूं तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा नहीं आप जब तक अपनी जो लेवल है ना और आ, जो एक कट ऑफ है उससे पांच दस नंबर ऊपर आप नहीं सिक्योर करना स्टार्ट करोगे तब तक मजा गाय पर नहीं रहेगा बाकी एस सी ओबीसी अपना अपना यहाँ पर एजेंशन देख सकते हैं अब देखो यहाँ पर जो लास्ट 2023 का मैं आपको डेटा बता रहा हूं इसमें सेक्शनल क्या सीन था रीजनिंग का पेपर हुआ 40 मैक्सिमम मार्क्स से इसमें से एससीएससीबीसी पीडब्ल्यू डी इनके लिए 6.75 लाने थे और ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए 10 लाने थे कंप्यूटर नॉलेज होता है

करंट uh, अफेयर्स का वो अपने आप में एक मास्टर पैकेज अगर आप उससे पढ़ाई कर रहे हो तो आपको ये नंबर नहीं यहां पर आपके जीरो लग जाएंगे अगर बिल्कुल बुरी हालत है ना तो दस और बीस के आसपास आप नंबर लाओगे मैं आपको गारंटी बता रहा गा ठीक है क्योंकि हम क्वेश्चन में जाते हैं हम आपको ऑनली एमसीक्यू करा के आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. हम आपको डिटेल देते हैं बुलेट पॉइंट देते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्रक्स चीजें हैं वो हम केवल आपको प्रोवाइड करते हैं जो पेपर में पूछी जाती है तो ये भी आपको करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में

आपको सिलेक्शन यहाँ पर मिल सकता है ठीक है इंग्लिश और हिंदी यहाँ पर भी वही है ठीक है दोनों में से कोई आप एक अटेम्प्ट करेंगे तो आप देखिएगा यहाँ पर कट ऑफ 6.75 5.75 इंग्लिश की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा होती है हिंदी की कम होती है यहाँ पर अदर्स की देखोगे तो इंग्लिश की 3 रखी गई है और 2.50 हिंदी की है क्वांट में देखोगे पेपर काफी कैलकुलेटिव आया था और मैं कहूंगा मॉडरेट टू टफी है 40 में से 4.75 कट ऑफ रखी गई थी ईडब्ल्यूएस जनरल की और 2.75 जो है वो एस सी एस टी ओ बी सी की थी ठीक है इसके बाद जो सिंगल एग्जाम्स होते हैं ना स्केल टू स्केल थ्री के वो एक बार पॉज करके अपना डेटा देख लें उनका इतना कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला था अब ये जो मैं आपको बता रहा हूँ मेंस वाली जो कट ऑफ है ठीक है ये आप देख लो मेंस में जिन लोगों ने मेंस दिया तो 200 नंबर का था उसमें से कहाँ कहाँ पर कितनी कट ऑफ गई वो आप देख लो अगर मैं बताऊँ आपको आंध्र प्रदेश में 64 है अरुणाचल प्रदेश में 65 है फिर 69 असम में है, है 66 जो है वो बिहार में यहाँ पर गई है फिर 69 कट ऑफ जाती है छत्तीसगढ़ में ठीक है 70.88 ये गुजरात में जाती है गुजरात में स्टार इसलिए लगा रहा हूँ यहाँ पर अच्छे खासे नंबर्स आपके रहते हैं 70s में जाती है हरियाणा में देखो और आप आगे बढ़ोगे सेवनटी एट पहुंचेगी हिमाचल प्रदेश में ठीक है 69 जम्मू एंड कश्मीर में 72 झारखंड में आपकी रहती है 72 ठीक है ये मैं आपको जनरल की बता रहा हूं ठीक है जनरल ओके थोड़ा बहुत आप देखोगे ईडब्ल्यू जनरल ऑलमोस्ट सेम रहता है बाकी सब लेस देन दिस है तो पॉज करके आप बाकी डेटा देख लेना अगर मैं और भी हाइएस्ट बताऊं तो आप देखेंगे उड़ीसा में अच्छे खासे नंबर्स रहते हैं ठीक है थीके? और राजस्थान में आप देखोगे यहाँ पर 75, 77, 78 ऐसे नंबर्स देखने को मिलेंगे ठीक है उत्तर प्रदेश का काफी लोग वेट कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश 73.25 ये जो कट ऑफ है ये 200 में से है ठीक है आई बी पी एस आर आई बी पी ओ की कट ऑफ ठीक है तो दोस्तों जब प्रोविजनल अलॉटमेंट हुआ था और उस दौरान कट ऑफ जो है आपको पता है कि इंटरव्यू प्लस जो आपके मेंस के मार्क्स होते हैं इनको हंड्रेड में कर दिया जाता है तो हंड्रेड में अगर आप देखें आंध्र प्रदेश है तो आंध्र प्रदेश में जो सिलेक्शन हुआ है वो हुआ है 48.10 मार्क्स लाने का ये मैं मिनिमम स्कोर बता रहा हूं जिस नंबर पर सिलेक्शन आपका हो गया है और इसकी डेट ऑफ बर्थ है उन्नीस सौ सत्तानवे अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो ये 43.18 पर हुआ है सिलेक्शन बिहार में अगर आप देखते हैं तो 48.02 इतने मार्क्स पर सिलेक्शन आपको देखने को मिल गया है ठीक है गुजरात में अगर आप देखोगे तो फोर्टी वाले बंदे का यहां पर सिलेक्शन हुआ है फिर हरियाणा में देखोगे फिफ्टी है हिमाचल प्रदेश में फिफ्टी है जम्मू एंड कश्मीर और झारखंड जम्मू एंड कश्मीर में देखोगे 51.85 और झारखंड में 49.30 नाइन कर्नाटका में 46.25 है अगर मैं और स्टेट्स की बात करूं जो आप देख पाएंगे जैसे महाराष्ट्र हो गया मध्य प्रदेश हो गया तो यहाँ पर अनरिजर्व में फिफ्टी क्योंकि यहाँ पर कट ऑफ अच्छी खासी जाती है मध्य प्रदेश केरला में आप इतना गई थी और मध्य प्रदेश में कहूँ फोर्टी सिक्स तो इतनी इतनी कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिलती है इसके बाद अगर आप देखेंगे राजस्थान में तो राजस्थान में जो अनरिजर्व कैटेगरी की कट ऑफ है वो है 51.25 ठीक है नंबर्स अच्छे यहाँ पर भी लाने लोगों को पड़े थे इसके अलावा अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो अनरिजर्व की उत्तर प्रदेश की कट ऑफ है 48.52 जिसका यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है बाकी आप पॉज कर लें आपको यहाँ से डेटा थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा ठीक है तो ये गायस डेटा है और करंट अफेयर्स फंडा के मोबाइल एप्लीकेशन को आप लोग डाउनलोड करेंगे वहाँ पर आपको हमारा डेटा इंटरप्रिटेशन रीजनिंग और वैदिक मैथमेटिक्स मैंने आपके लिए बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरी कैलकुलेशन सिंप्लीफाई की है और ये कोर्स केवल केवल टू डबल नाइन रुपीज़ में है दो सौ निन्यानवे में आप इनरोल करके अपनी पूरी कैलकुलेशन ट्रिक्स फास्ट ट्रिक्स सब कुछ एक ही जगह पर एक ही प्लेस में और अच्छी क्वालिटी में आप इन सब कॉन्टेंट को एक्सेस कर सकते हैं और ये हमारा करंट अफेयर्स का ईयरली प्लान ये भी आपको डिस्काउंट मिल रहा है और अभी समर सेल चल रही है तो सभी कोर्सेज पर और टेन परसेंट आपको ऑफ मिल रहा है ठीक है तो मतलब ये मानकर चलो कि जो थ्री का कोर्स है ठीक है वो आपको 359 समथिंग कुछ पड़ जाएगा तो ये कुछ भी नहीं है तो आप इसका लाभ उठाएं अपनी अच्छी प्रिपरेशन करें लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और हाँ स्टे कनेक्टेड और इस करंट अफेयर्स फंडा के ऐप में डेली करंट अफेयर्स आती है शॉर्ट्स आपको बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएंगी तो आप अपनी अच्छी तैयारी करिएगा थैंक यू सो मच हैव अ गुड डिड ऑल फीव वन सेकिन गाइस